ये जो कैनकुन, ये वाला जो एरिया है, यहाँ से हम उड़े थे। ये होटल जोन जो लिखा हुआ है ना, ये होटल जोन, यहाँ पे मैं रुका हुआ था और इधर था मेरा होटल राइट हियर। ठीक है, ये यहाँ से हम गए बाय रोड, ये जो रोड जा रहा है कुंता कैनकुन करके, यहाँ से ये जो है, ये है हमारा होटल, सॉरी ये वाला होटल दोस्त बुलाया। और यहाँ से हम इस रोड से निकले और ये रोड जो है बुलवार्ड कुलकन, यहाँ से हम दाखिल हुए कहाँ पे, कैनकुन में, और फिर कैनकुन एयरपोर्ट, और यहाँ से कैनकुन सिटी से हम उड़े। और ये देखें, ये ईस्ला मोहेरस ये आइलैंड था, इस आइलैंड के ऊपर से जहाज़ उड़ के गया। वो आइलैंड की वीडियो मैंने बनाई है। और यहाँ से जहाज़ उड़ा, यहाँ से उड़ के ये सारा समंदर जो मैं अभी जूम आउट कर रहा हूँ, ये पूरा जो ब्लू है कैनकुन, और ये देखें ब्लू, ये जो ब्लू, ये ब्लू हमारा जहाज़ उड़ रहा है। ठीक है, हमारी राइट नाउ करंट लोकेशन है। और यहाँ से उड़ के ये फ्लोरिडा मायामी इधर से उड़ता हुआ, क्योंकि जहाज़ जो है जब भी ज़मीन अवेलेबल होती है, जहाज़ हमेशा ज़मीन के ऊपर से जाता है, जहाज़ हमेशा पानी के ऊपर से जाने में अवॉइड करता है अनलेस के कोई रास्ता ना हो। ये अब जॉर्जिया स्टेट में दाखिल हो गया है, जॉर्जिया से आगे ये अटलांटा और इधर से उड़ता हुआ ये स्टेट्स में दाखिल होगा। कौन ये कौन सी स्टेट्स है, राइट, यहाँ से उड़ता हुआ ये वेस्ट वर्जीनिया, पिट्सबर्ग, और पिट्सबर्ग से उड़ते हुए ये जो लेक एरी है, यहाँ से उड़ते हुए ये जाएगा यहाँ पे, दिस इज़ माय होम। सो जो टोरंटो एयरपोर्ट है राइट हियर, दिस इज़, और जो मेरा घर है वो देखें आप, होम लिखा हुआ है, यही मेरा घर है, इतना करीब है टोरंटो एयरपोर्ट से। और जो आप अक्सर नायाग्रा फॉल्स के बारे में सुनते हैं, सो नायाग्रा फॉल ये है बेसिकली, ये जो रोड आप देख रहे हैं, यही रोड, ये जो रोड आप देख रहे हैं, ये फोर ये जो रोड आ रहा है, या इस ये जो है, यहाँ से ये रोड क्वीन एलिजाबेथ वे जो लिखा हुआ है QEW, इसी से होते हुए ये हम नायाग्रा फॉल आते हैं। ये ब्लैक लाइन जो आप देख रहे हैं, यही बॉर्डर है US कनाडा का, और यहीं से जो US की पहली सिटी आती है, जो ये बॉर्डर है, ये बॉर्डर है, ये यहाँ से हम क्रॉस करते हैं, ये ब्लैक लाइन को क्रॉस करते ही US शुरू हो जाता है, और पहली सिटी जो US की आती है, ये बफलो सिटी आती है जो ये, राइट। सो अभी हम फ्लाई करते हुए यहाँ से राइट नाउ जॉर्जिया, 2 से 2.5 घंटे की फ़्लाइट है, 2 से 2.5 घंटे में हम यहाँ पहुँचने वाले हैं मिसिसागा टोरंटो। सो जो समंदर मैं आपको दिखा रहा था वो ये गल्फ ऑफ मैक्सिको का समंदर था, और ये मायामी का बीच भी बहुत खूबसूरत है, और नाइस वेदर होता है यहाँ पे बहुत। तकरीबन 3-3.5 घंटे की फ़्लाइट है ये टोरंटो से कैनकुन की। सो लाइव ट्रैकिंग कर रहा हूँ मैं अपनी फ़्लाइट की, यहाँ से कैनकुन से जो है ये उड़ के यहाँ पहुँच चुका है जॉर्जिया स्टेट में। अब ये अगली स्टेट में दाखिल होने वाला है US की, नहीं अभी स्टेट पूरी बनी है काफ़ी, सॉरी जॉर्जिया अटलांटा ये पूरी स्टेट है, ये जो आपको काले काले डॉट्स नज़र आ रहे हैं ना, ये बॉर्डर है स्टेट का,
ये अच्छी खासी दूर है, तकरीबन आधा घंटा पौना घंटा लगेगा इसको यहाँ से क्रॉस करने में। और अगली जो स्टेट होगी जिसमें ये दाखिल होगा वो ये टेनेसी है। टेनेसी स्टेट में दाखिल होकर केंटकी, और आई गेस के केंटकी से ये जाएगा ओहायो, कोलंबस, जो ये सिटी आपको लिखा नज़र आ रहा है सिनसिनाटी, कोलंबस, ओहायो स्टेट। ओहायो स्टेट क्रॉस करते ही जो है ये फिर लेक एरिया, ये लेक आ जाएगी, बॉर्डर एरिया आ जाएगा, और फिर ये कनाडा में दाखिल हो जाएगा। ये लंदन जो आपको नज़र आ रहा है ये कनाडा का लंदन है, ठीक है। और आई गेस कि ये मुझे अच्छी तरह याद नहीं है लास्ट टाइम जो किया था, तो ये मेरे ख्याल में हो सकता है कि पिट्सबर्ग जो है पेंसिल्वेनिया के ऊपर से उड़ के जाए, सीधा यहाँ उतरेगा टोरंटो। तो मैं लाइव ट्रैकिंग कर रहा हूँ अभी, जो है यहाँ पहुँच गए, ढाई घंटे की फ़्लाइट और है, तो देखते हैं अभी इसको, वीडियो को पॉज करते हैं, जब ये स्ट्रीट क्रॉस कर जाएगा तो फिर ऑन करता हूँ वीडियो दोबारा।
कैरोलिना भी क्रॉस करने वाले हैं हम, और ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है इसको ये क्रॉस करते ही, ये वाली लाइन सीधी वाली, इसको क्रॉस करते ही हम वर्जीनिया में दाखिल हो जाएंगे, वर्जीनिया स्टेट, और वर्जीनिया के बाद शायद वेस्ट वर्जीनिया, और वेस्ट वर्जीनिया के बाद पेंसिल्वेनिया, और इसके बाद कनाडा। आई गेस अज्यूम कर रहा हूँ मैं, आई एम नॉट रियली श्योर। सो वर्जीनिया भी क्रॉस कर लिया, वेस्ट वर्जीनिया में आ गया सर, और यहाँ से जो मैंने गेस किया था कि पिट्सबर्ग, और पिट्सबर्ग से कनाडा, पिट्सबर्ग में आ चुके हैं। और उस वक्त जो मैंने आपको बताया था हम यहाँ थे वेस्ट वर्जीनिया में, पिट्सबर्ग और बॉर्डर बहुत करीब ही रह गई है, यंगस्टाउन नज़र आ रहा है आपको, उसके बाद ये फोर्ट एरी है, फोर्ट एरी के बाद ये आ गया आपका कनाडा। अभी अभी अनाउंसमेंट हुई है कि 30 मिनट्स रह गए हैं लैंडिंग में, तो इस वक्त हम पेंसिल्वेनिया में आ चुके हैं, और ये बॉर्डर आ रहा है, बहुत क्लोज है, 30 मिनट्स में लैंडिंग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जहाज़ यूनाइटेड स्टेट्स से निकल गए, कनाडा में दाखिल हो चुका है इस वक्त, जस्ट मैं वॉशरूम किया हूँ, वॉशरूम से होके आया हूँ, और जहाज़ जो है वो यहाँ से पेंसिल्वेनिया से निकल के, और यहाँ ये काले कलर की लाइन बॉर्डर है, और यहाँ से नायग्रा फॉल क्रॉस करके सेंट कैथरीन के पास आ गया है। अब ये यहाँ से जब हम रोड से जाते हैं तो ये वाला रोड होता है क्वीन एलिजाबेथ वे, ये हाईवे है, क्वीन एलिजाबेथ वे से हम जाते हैं, पूरा घूम के जाना पड़ता है पानी की वजह से, ये सारा घूम के यहाँ से बर्लिंगटन, बर्लिंगटन से ओकविल, ओकविल से मिसिसागा, मिसिसागा से टोरंटो, यही जो क्वीन एलिजाबेथ हाईवे है ये जा रहा है सीधा टोरंटो, लेकिन जहाज़ यहाँ पानी के ऊपर से जा रहा है, यहाँ आप पहुँच चुका है ये, और ये सीधा पानी क्रॉस करके यहाँ से ट्रैकली यहाँ पहुँचेगा कंट्रो एयरपोर्ट। सो आई गेस के इसको सिर्फ अभी 10 मिनट लगेंगे यहाँ तक पहुँचने में। सो कहाँ से उड़े, यहाँ से उड़े थे हम पूरा अमेरिका, और ये क्यूबा, यहाँ से निकल के गल्फ ऑफ मेक्सिको। इन प्रिपरेशन फॉर लैंडिंग प्लीज मेक श्योर योर सीट बैक एंड ट्रे टेबल आर इन द अपराइट एंड लॉक पोजीशन एंड योर सीट बेल्ट फास्टन। ये था कैन, प्लीज टर्न ऑफ एंड स्टो एनी लैपटॉप एंड लार्ज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ऑल योर बिलोंगिंग्स शुड बी सेफ। अनाउंसमेंट हो गई है जहाज में उतरने की, तो यहाँ से उड़े थे जनाब हम, ये था हमारा होटल जहाँ पे मैं रुका था, जहाँ के खूबसूरत बीचेस मैं आपको दिखा रहा था, ये जो मरीना इक्वेटर्स हैं यहीं से मैं वीडियोस बना रहा था सारी इस बीचेस की, यही था बीच। और यहाँ से चले हम लाया तोर्तुगा, और जहाज़ कैनकुन से उड़ा इस्ला मोहेरस, ऊपर से होता हुआ उड़ते उड़ते आपका सारा गल्फ ऑफ मेक्सिको उड़ा, यहाँ आया टांपा फ्लोरिडा में दाखिल हुआ, और अमेरिका की ज़मीन से होता हुआ एटलांटा जॉर्जिया, वर्जीनिया, वेस्ट वर्जीनिया, पिट्सबर्ग, यहाँ से होता हुआ आपके पेंसिल्वेनिया और न्यूयॉर्क स्टेट, ये न्यूयॉर्क स्टेट है, बफलो है न्यूयॉर्क स्टेट में, यहाँ से होता हुआ कनाडा में ये लेक ओंटारियो के ऊपर से। ओके, सो वो कह रही थी कि आप जो है ना अपना सीट को सीधा कर लें, जहाज़ उतरने वाला है,
सो ये देखिए जी, स्पीड से जा रहा है, लाइव ट्रैकिंग हो रही है इस वक्त। ये हम्बर कॉलेज, यहीं पे घूमते हैं हम, यहाँ पे इन्हीं जगहों पे। और अभी आपको वीडियो से दिखाता हूँ मैं। ये लेक ओंटारियो है, बादलों के नीचे देखें, ये लेक ओंटारियो से निकल के जो है ये ज़मीन आ गई टोरंटो शहर की। बिल्डिंगें नज़र आना शुरू हो गई यहाँ से, ये टोरंटो की बिल्डिंग्स देखिए। क्योंकि ये टोरंटो मेन सिटी नहीं है तो यहाँ पे इतनी बड़ी बिल्डिंग्स हैं नहीं। अब ये शहर की तरफ, क्योंकि ये टोरंटो मेन सिटी पे नहीं जाएगा, एयरपोर्ट पे जाएगा टोरंटो में। आप खोलते हैं मैप, मैप में देखते हैं ये कहाँ पहुँच गया। लाइव मैं आपको वीडियो विंडो से रिकॉर्ड करके दिखा रहा हूँ और मैप से आपको दिखा रहा हूँ जाके के कहाँ पहुँच गया है। अच्छा ये है एयरपोर्ट, ये रहा एयरपोर्ट। अभी तक ये अपडेट नहीं हुआ यहाँ से। जहाज़ ने पोजीशन लेना शुरू कर दी है, टर्न होना शुरू हो गया है लेफ्ट साइड पर। जी रोज रोड पार्क पे आ गया है, यॉर्क यूनिवर्सिटी हाइट्स पे से यहाँ से टर्न कर रहा है जहाज़। ये बेसिकली नॉर्थ यॉर्क का एरिया है, टोरंटो का पार्ट है ये। और यहाँ से ये उड़ के बिल्कुल यहाँ आएगा, ये टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट, ये लैंडिंग पैड्स आपके रनवे। और यहीं पे आ रहा है, ये देखें ये लाइव चल रहा है, देखें स्पीड चेक करें आप जहाज की, ठीक है। ये पार्क डाउन व्यू, ये इतने बड़े बड़े पार्क हैं ना, ये जो पार्क हैं कार में जो है ना, इस पार्क को घूमने में जो है ना 5-6 मिनट 10 मिनट लग जाते हैं इस पार्क का चक्कर लगाने में। जहाज़ देखें क्रॉस कर गया इसको। अब ये ओकडेल गोल्फ कंट्री क्लब का, मैं इस क्लब की वीडियो बनाता हूँ। ये ओकडेल गोल्फ क्लब आ गया नीचे, ठीक है, यहाँ से गुजर रहा है जहाज। ये आ गया गोल्फ क्लब से निकल के आ गया जहाज। Pearson International Airport और ये एक मिनट उतर गया जहाज। तकरीबन रील जो है जहाज के, ये लग गए जमीन से, ठीक है। ये आ गया, तो हमने आपको लाइव ट्रैक करके जहाज दिखाया, यहाँ पहुँच चुका है इस वाले रनवे पे। और अभी जो है हम जहाज यहाँ से टर्न करके, लेडीज एंड जेंटलमैन वेलकम टू टोरंटो वेयर द लोकल टाइम इज 5:39 PM। प्लीज रिमेन सीटेड विद योर सीट बेल्ट फास्टन एंड योर पर्सनल आईडी सिस्टम अंटिल द सीट बेल्ट साइन हैज बीन टर्न ऑफ। प्लीज रिफ्रेन फ्रॉम स्मोकिंग एंड यू मे नाउ यूज योर सेल फोन्स। इफ एनीवन नीड्स असिस्टेंस ऑन द प्लेन वी आर हैप्पी टू हेल्प। All right, life tracking is over now. Thank you very much to being with me. Before deplaning.